गाइस वेलकम टू माय चैनल ट्रैवल हाइप एंड विश यू ऑल अ हैप्पी इंडिपेंडेंस डे। तो एज यू नो ये साल हम लोग सेलिब्रेट कर रहे हैं 75th इंडिपेंडेंस डे एज ए आज़ादी का अमृत महोत्सव और हमारे प्राइम मिनिस्टर के कहने के मुताबिक हर घर तिरंगा। तो वी एज अ ट्रैवल हाइप फैमिली वी आर ऑल्सो सेलिब्रेटिंग हर घर तिरंगा। तो विश यू ऑल अ हैप्पी इंडिपेंडेंस डे। तो बस एक ही चीज़ ध्यान रखना कि इंडिपेंडेंस डे के बाद 15 अगस्त के बाद 16 अगस्त या 17 अगस्त को ये तिरंगा कहीं रास्ते पे ना पड़ा मिले, वो बहुत ही हर्ट करता है यार। इंडिपेंडेंस लेना बहुत ही मुश्किल था, जैसे 2+ माइल से तो कभी इंडिपेंडेंस नहीं आया। बहुत सारे लोगों ने अपना कुर्बानी दी, बहुत सारे लोगों ने ना मतलब अपना पूरा ज़िंदगी ऐसे गुमनामी होके ज़िंदगी बिताया ना, वो सब बहुत हर्ट करते हैं। और आज भी बहुत सारे लोग पहाड़ में जंगल में ये तिरंगा को बचाने के लिए अपने फैमिली से दूर हम सब की खुशी के लिए अपनी फैमिली से दूर अपनी खुशी के दूर रह रहे हैं। तो बस उस सब का लिहाज करना और ये तिरंगा को ना बहुत सारा सम्मान देना बस। हाँ इसके साथ विश यू अ हैप्पी 75th इंडिपेंडेंस डे। वेरापल्ली डैम जो तमिलनाडु में पाइनियर रिवर के ऊपर बना हुआ है। तो बस हाँ बैंगलोर से ऑलमोस्ट 57 हेब्बल से बोल रहा हूँ 57 किलोमीटर का डिस्टेंस है, होसूर से 10 किलोमीटर अंदर आता है आपको। तो जस्ट अभी अब यहाँ पे पहुँचे, सामने किसी पॉलिटिशियन का शायद शादी चल रहा है, पॉलिटिशियन के बेटे का शादी चल रहा है, पता नहीं चला। तो इस डैम के अंदर आने के लिए आपको पर हेड 10 रुपीज़ करके चार्जेस पड़ा और बाइक के लिए 10 रुपीज़। तो बस हाँ अच्छा ही है, अच्छे लग रहा है, जगह बहुत ही साफ सुथरा है। और ये डैम ना बना था 1995 में। तो बस हाँ अभी चलते हैं और देखते हैं। इस साइड में एक पार्क है, बैठने बैठने के लिए जगह है। और डैम का दूसरी तरफ चलते हैं पहले, वहाँ पे देखते हैं, उसको जाएंगे पार्क में। तो चलिए बारिश हो रहा है, उस चक्कर में डैम का जो पानी है ना एकदम पूरा हाईएस्ट लेवल में है।
और आप देख सकते हो ना पानी का बहाव एकदम पूरा। बहुत ही सुंदर व्यू है इस साइड से चारों तरफ का, और एरिया भी बहुत ही साफ सुथरा है। ये बहुत ही बड़ा एरिया लेके भी है ना। ये रहा केला बेरापल्ली डैम का वीडियो ना। ये जगह बहुत ही सीनिक है, आप आराम से आके टाइम वाइम स्पेंड कर सकते हो। जगह बहुत ही क्लीन है और जैसा बोल रहा था होसूर से 10 किलोमीटर अंदर ही। और अभी बैंगलोर में कर्नाटका में बहुत बारिश हो रहा है ना, तो उस चक्कर में ये डैम का पानी भी एकदम पीक लेवल पे है अभी। और वहाँ पे रिजर्वायर से जो पानी निकलता है ना वो देखने के लिए बहुत ही अच्छा लगता है। तो यहाँ पे आके आप आराम से टाइम स्पेंड कर सकते हो। और इसके बगल में ही और एक पार्क है, पार्क नहीं बोल सकते बट ऐसे ही बेंच वेंच लगा हुआ है यहाँ पर ना। ये रहा ये जगह पर, वैसे ज़्यादा कुछ है नहीं, पेड़ वेड़ है और बेंच वेंच लगा हुआ है तो जहाँ पे लव बर्ड अपना टाइम स्पेंड कर सकते हैं। बाकी वैसा कुछ है नहीं खास उस जगह पे, बट यहाँ पे आप हाँ आराम से टाइम स्पेंड कर सकते हो। रोड भी बहुत ही अच्छा है तो आने के लिए आपको ज़्यादा कुछ टाइम नहीं लगा। मुझे तो लगा था 2 घंटे, क्योंकि मैं जब निकला वो ऑफिस आ रहा था ना, तो इसलिए मुझे थोड़ा सा टाइम लग गया। बैंगलोर से निकलते निकलते जितना ट्रैफिक था वो था, बाकी उसके बाद तो बस सभी ठीक था। तो बस इसके साथ आज का ब्लॉग यहीं पे एंड होता है। अगर आप चैनल पर नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर देना, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करना, और प्लीज़ यार कमेंट करके बताना कि कैसा लग रहा है। तो वंस अगेन विश यू अ हैप्पी इंडिपेंडेंस डे। बहुत ही मस्ती कीजिए, बहुत ही धूमधाम से कीजिए, बट एक चीज़ ध्यान रखिए कि जो फ्लैग है उसको आप संभाल के 17 अगस्त तब तक भी उसको संभाल के रखो, बस इतना ही रिक्वेस्ट है। तो उसके बाद आपसे मिलते हैं अभी नेक्स्ट ब्लॉग पे, कुछ दूसरी जगह पे कुछ दूसरा कुछ एक्सप्लोर करते हुए। तब तक के लिए बाय।